नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल आवधे खाल मिक्स में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को गुंजा के होने वाले ऐसे फ़ायदे बताऊंगा जो आप लोग शायद नहीं जानते होंगे। अगर वीडियो कंप्लीट देखते हो तो आपको इस लाल गुंजा के बहुत सारे आश्चर्यजनक औषधीय प्रयोग पता चलेंगे जिसका आप आसानी से फ़ायदा ले सकते हो। दोस्तों, वैसे तो गुंजा 3-4 प्रकार की होती है, काली गुंजा, श्वेत गुंजा, लाल गुंजा, लेकिन मैं आज आप लोग को सिर्फ लाल गुंजा के औषधीय फ़ायदे बताऊंगा क्योंकि यह हर जगह आसानी से मिल जाता है और हर कोई इसे पहचान के आसानी से प्रयोग करके फ़ायदे ले सकता है। तो आप बने रहे वीडियो में, अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, और हमारे चैनल पहली बार देख रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल सेलेक्ट कर लेना। दोस्तों, लाल गुंजा ग्रामीण क्षेत्र के आसपास के जंगलों में या फिर नदी नाले की झाड़ियों में या फिर बगीचों में मिल जाता है हमें देखने को। मेरे ख्याल से बहुत से लोग इसकी बेल लता को देखे होंगे और इसकी पत्तियां जो है इमली के पत्ते के समान होता है। वैसे सभी गुंजा के पत्तियां एक समान होता है, तो इसकी पौधे की पहचान कराने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। सभी लोग मेरे ख्याल से जानते होंगे इसके औषधीय फायदे। अगर नहीं जानते हैं तो वीडियो कम्प्लीट देखते रहिए। दोस्तों, इस लाल गुंजा की जो पत्तियाँ होती है, यह पत्तियाँ बहुत ही कमाल की औषधीय गुण रखती है अपने अंदर। इसके पत्तों का रस निकाल करके यदि किसी भी प्रकार के घाव में लगाया जाए तो घाव पकता नहीं है, शीघ्र ही भर जाता है और बहुत जल्द सूख करके ख़त्म हो जाता है। फोड़ा फुंसी में भी लगाने से फोड़ा फुंसी को भी यह बैठा देता है और खुजली जलन को भी शांत कर देता है। इसके पत्ते को चबाने से मुख की शुद्धि हो जाती है, मुख के दुर्गंध खत्म हो जाते हैं और मुख में एक ताजगी फ्रेशनेस आ जाता है। इसकी पत्तियों का काढ़ा बना करके पीने से शरीर में ठंड का असर नहीं होता है। सर्दियों में इसका काढ़ा पीने से सर्दी खांसी जुकाम कभी नहीं लगता। इस लाल गुंजा के पत्तियों का रस निकाल करके एक एक चम्मच की मात्रा में खाली पेट पीने से मूत्रक्रीज की परेशानी भी ठीक हो जाता है। बार बार पेशाब करने की समस्या या फिर रुक रुक करके आने की समस्या, पेशाब की जलन की समस्या पूरी तरह से समाप्त हो जाता है इसकी पत्तियों का रस पीने से। दोस्तों, अब मैं आप लोग को इस लाल गुंजा के फल के फायदे के बारे में बताता हूँ। इसकी फल की प्रकृति जो है काफ़ी गर्म होती है और इसको एक फल से अधिक नहीं खाया जा सकता। अगर अधिक खा दिया जाए गुंजा को, 1 से 2 गुंजा खा दिया जाए तो यह विरेचक है, विरेचन करता है पेट में, और पेट की अगर समस्या होगी, कब्ज वगैरह होगी, तो कब्ज दूर हो सकता है, इसमें फ़ायदा कर सकता है। अगर कब्ज की समस्या नहीं है, सामान्य स्वस्थ व्यक्ति अगर 2 से अधिक गुंजा का सेवन कर लेता है तो उसके पेट में दर्द भी हो सकता है। तो इसलिए कभी भी प्रयोग करें गुंजा के फल का तो सिर्फ एक फल का प्रयोग करें। काफ़ी गर्म होता है और पेट में गर्मी बढ़ा देता है। अगर नियम से सही ढंग से गुंजा का प्रयोग किया जाए, गुंजा के फल का, तो यह धातु पौष्टिक होता है, शरीर में बल को बढ़ाने वाला होता है, शरीर में गर्मी बढ़ाने वाला होता है, एक तेज पैदा करने वाला होता है और वीर्यवर्धक होता है। अगर छोटे बच्चे को सर्दी खांसी जुकाम लग जाए तो 1 गुंजा को पीस करके शहद के साथ थोड़ी मात्रा में उसे चटा दिया जाए तो उसका सर्दी खांसी फौरन ख़त्म होने लगता है, सूखने लगता है, इतना तेज इतना गर्म होता है इसका 1 बीज। दोस्तों, यदि कमर दर्द हो, जोड़ों का दर्द हो, ज्वाइंट पेंट हो, कहीं भी किसी भी प्रकार का जो दर्द होता है वह यदि आप भुगत रहे हैं, तकलीफ झेल रहे हैं, तो इस तरह की समस्या में आप इसके फलों को यानी लाल गुंजा को पीस कर पाउडर कर लें और उस पाउडर में शहद मिला करके लेप बना लें। लेप बन जाने पर उस लेप को जहाँ दर्द हो वहाँ पे हल्के हल्के मालिश कर दें। इस तरह से करने पर वहाँ का दर्द मिट जाता है या एक बाम की तरह हो जाता है जो दर्द को अच्छी तरह से निकाल देता है। 1 गुंजा और 1 कौंच का बीज, दोनों को हल्का सा तवा में, आग में किसी भी तरीक़े से उसको भून लें। भूनने के बाद उसको पाउडर बना लें। पाउडर बनाने के बाद उस पाउडर को 2 खुराक बना लें, और 1 सुबह और 1 शाम को। दूध के साथ यदि लेते हो तो निश्चित रूप से आपकी बल वीर्य में वृद्धि होगी और आपको किसी भी प्रकार की जो शीघ्रपतन नामर्दी की समस्या है वह पूरी तरह से जड़ सहित खत्म हो जाएगी। 1 महीना 1.5 महीना के लगभग प्रयोग करने से आपके शरीर में इतनी ज़्यादा तेज कांति और ताकत पैदा हो जाएगी कि आपको किसी भी प्रकार की और अन्य दवाई, टॉनिक, सिरप पीने की आवश्यकता कभी नहीं होगी। बशर्ते ध्यान देने वाली बात यह है कि इसका प्रयोग सिर्फ ठंड के मौसम में आपको करना है। दोस्तों, अब गुंजा के जड़ के फायदे आप लोग को बताते हैं। गुंजा की जड़ को खोद करके, निकाल करके, छाया में सुखा करके रख सकते हैं और इसे छोटे छोटे टुकड़े करके इसका काढ़ा बना करके, इस काढ़े को यदि जो माता बहनें डिलीवरी के बाद रक्त स्त्राव होता रहता है उन माता बहनों को
इस काढ़ा को यदि पिलाया जाए तो उनकी रक्त स्त्राव की समस्या बंद हो जाती है, खून बहने की समस्या बंद हो जाती है, शरीर से किसी भी प्रकार की जो ब्लीडिंग हो रही है वह रुक जाती है। इस लाल गुंजा की जड़ के एक और मैं अद्भुत शक्तिवर्धक प्रयोग बता रहा हूँ, जो प्राचीन ऋषि मुनियों की बड़े बड़े ग्रंथ हैं उनमें इसका वर्णन मिलता है। इस लाल गुंजा की जड़ को 250 ग्राम की मात्रा सूखा हुआ जड़ आप आधा किलो दूध में पका लें अच्छे से। जब पकते पकते दूध आधा रह जाए तो उसे उतार लें, जब गाढ़ा हो जाए तो, और उसमें आवश्यकता अनुसार गुड़ मिला दें और 20 ग्राम की मात्रा में कांच के बीज का पाउडर मिला दें। इस तरह से इन सब चीज़ों को मिला करके अच्छे से फेंट लें और छोटी छोटी गोली बना दें और इस गोली को सुबह शाम हल्के गुनगुने पानी के साथ सेवन करें। ठंड के मौसम में लगभग 15 दिन के सेवन से ही आपके शरीर में अद्भुत ताकत पैदा होगी। एक बहुत ही चमत्कारी ढंग से आपके शरीर में बदलाव होने लगेगा और आप एक तंदुरुस्त सेहतमंद हष्ट पुष्ट इंसान बन करके उभरने लगोगे। तो दोस्तों, इस तरह से लाल गुंजा के बहुत ही अच्छे अच्छे फायदे हैं, औषधि फायदे, जिनमें से कुछ विशेष फायदों को मैंने आप लोग को आज बता दिया। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो की जानकारी, तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं मिलता हूँ किसी और अच्छी औषधि वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।